हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 10th एनसीईआरटी। तो बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, जो कि मैंने आप लोगों को पिछली बार होमवर्क के लिए दिया था। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इक्वेशन ना थोड़ी सी फ्रैक्शन वाली है, थोड़ी है ना। देखो इक्वेशन में हमारे फ्रैक्शन वाले नंबर आ रहे, थोड़ा से सोल्व कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि था सोल्व करना सही रहता है। एक काम करते हैं, इसे ले लेता हूँ, एक्स अपॉन टू प्लस का टू वाई अपॉन थ्री is equal to minus 1। ये हमारी पहली इक्वेशन है, देखो ध्यान से। इसे सॉल्व करते हैं जरा। नीचे वालों का एलसीएम लोगे तो आएगा 6, है ना? इसके टेबल में ये आता है 3 बारी पे आता है ना बच्चों। तो इस 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो गया, सिंपल। ये प्लस आ गया इधर। 3 के टेबल में ये वाला आता है आपका 2 बारी पे, तो 2 को ऊपर वाले 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4y। यहां पर जो 6 डिवाइड हो रहा है वो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3x plus 4y। 6 नीचे था ना, उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ माइनस 6 पहले। तो देखो इक्वेशन कितना सिंपल बना दिया। पहले इक्वेशन ये थी, मैंने उसे थोड़ा सा सॉल्व किया और इक्वेशन सिंपल सी बन गई, ठीक है। तो जल्दी से मैं इसे मिटा कर ये लिख देता हूं बच्चों, देखो ध्यान से। तो इसे मिटा कर लिख देते हैं आपका 3x plus 4y is equal to minus 6, ठीक है। उसी तरह देखो इसको भी जरा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल बना लेते हैं बच्चों। देखो ये क्या है हमारी, x माइनस का y बाई 3 इज इक्वल टू 3, यही है बच्चों इक्वेशन, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लो, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे बच्चों, 3 आएगा। 1 के टेबल में 3 आता है आपका 3 बारी पे, तो 3 को ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, ये माइनस आ गया। 3 के टेबल में 3 आता है 1 बारी पे, 1 को अगर y से करेंगे मल्टीप्लाई तो सेम आएगा y। यहां पर जो डिवाइड हो रहा है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस वाई। ये जो 3 नीचे डिवाइड होता है उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ 9 बन गया। देखो इक्वेशन कितनी सिंपल बन गई, देखो पहले कितनी अजीब सी कॉम्प्लिकेटेड थी, अब कितनी सिंपल बना दी। तो इसे मिटाकर ये लिख देता हूं 3x माइनस का वाई इक्वल टू 9। तो बच्चों यहां पर अब मैंने अपनी इक्वेशन को थोड़ा सिंपल बना दिया, ठीक है। तो अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन अगर आप लोग भूल गए हो तो मैं एक बार फिर से बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 ने बोला था, ये जो आपको पेयर वाली इक्वेशन दे रखी है ना, ये आपकी पहली इक्वेशन, ये आपकी दूसरी इक्वेशन, आप इन दोनों इक्वेशंस को पहले तो एलिमिनेशन से सॉल्व करो और बाद में सब्स्टिट्यूशन से। और याद रखना, एलिमिनेशन से सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा और जो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करके आंसर आएगा, दोनों सेम होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, बाय हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। चलिए एलिमिनेशन मेथड में हमारा क्या होता है, या तो हम ये x वाली टर्म को पूरा सेम करते हैं, या तो फिर y वाली टर्म को पूरा सेम करेंगे, या तो इस x वाली टर्म को सेम करेंगे या तो y वाली। अब ध्यान से देखो, x वाली टर्म तो पहले से ही सेम है, लेकिन हमें इन दोनों इक्वेशन को किसी ना किसी नंबर से तो मल्टीप्लाई करना ही करना है। तो मतलब ना तो मैं इसे बदलना चाहता हूं, ना तो मैं इसे बदलना चाहता हूं, क्योंकि पहले से ही सेम है ना। तो मैं ऊपर वाले को भी 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो ये भी प्लस का 3x है, ये भी प्लस का 3x है, और इसे भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा 1 से। और 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, हमें किसी नंबर से तो मल्टीप्लाई करना ही करना है। तो 1 से करने पर हमारी इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं बदलेगी, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये भी 3x रहेगा और ये भी 3x सेम रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, 1 जो है वो सिर्फ इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, 1 सबसे होगा, 1 3x से होगा तो आ गया 3x, ये प्लस का साइन है, आ गया इधर प्लस। 1 4y से मल्टीप्लाई होगा, आ गया 4y, ये इक्वल है, ये रहा इक्वल। 1 अगर माइनस 6 से होगा तो आ गया माइनस 6, ठीक है। उसी तरह 1 अगर इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ये भी सेम आ जाएगा 3x माइनस का y इक्वल टू 9। अब नीचे वालों के साइन जो होते हैं बच्चों, देखो प्लस क्या है ना, नीचे वालों के साइन हो जाते हैं चेंज। तो बच्चों चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस जो है वो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये प्लस जो है हो जाएगा माइनस। तो सॉल्व करते हैं, यहां पर 3x और यहां पर भी 3x, ये प्लस का ये माइनस का अलग अलग साइन है तो कैंसिल हो गया, ठीक है। 4y और y सॉल्व करके आएगा 5y, इनको सॉल्व करोगे आएगा माइनस का 15, ठीक है। यहां पर 5 हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड का मतलब होता है बच्चों आ जाएगा आपका नीचे। देखो मल्टीप्लाई था, डिवाइड हो गया, काटते हैं जरा इसे, दोनों 5 के टेबल से कट रहे हैं बच्चों, ये 1 बारी पे और ये 3 बारी पे। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, वाई आ गया आपका माइनस का 3, देख सकते हो आप लोग, वाई आ गया आपका माइनस का 3, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको यहां पर बैठाओ या ऊपर बैठाओ, कहीं पर भी बैठा सकते हो। तो मैं इसे बैठाऊंगा पुट इन इक्वेशन सेकंड, मैं से दूसरी इक्वेशन पे बैठाऊंगा, क्योंकि मुझे दूसरी इक्वेशन थोड़ी आसान लग रही है। मतलब इसको लेकर कहां बैठाना है, दूसरी इक्वेशन। तो पहले तो बच्चों हम दूसरी इक्वेशन को उतार लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों, पहले दूसरी इक्वेशन उतार रहा हूं मैं,
3x माइनस, ये इक्वल का साइन नहीं है, स्टक मार्क है, 3x माइनस का y इक्वल टू 9, ये रही दूसरी इक्वेशन। उतार ली बच्चों दूसरी इक्वेशन, अब इसको यहां पर बैठा देंगे। क्या मतलब है इसका, जहां पर भी y दिखेगा वहां पर क्या लिखेंगे, माइनस का 3। देखो 3x है फिर ये माइनस आ गया, अब देखो y है, y की जगह पर क्या लिखना है, माइनस का 3 लिखना है ना, और ब्रैकेट में डाल के लिखेंगे माइनस का 3। देखो 3x की जगह पर 3x, माइनस की जगह पर माइनस, और y की जगह पर उसकी वैल्यू आ गई इक्वल टू 9। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया 3 इक्वल टू 9। यहां पर प्लस का 3 है, उधर जाकर हो जाएगा माइनस का 3, देख सकते हो आप माइनस का 3 हो गया। 3x इज इक्वल टू 9 में से 3 गया 6, 3 इधर बच्चों मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड और मतलब चला जाएगा नीचे। अब इसे काट लेते हैं बच्चों ध्यान से, ये दोनों 3 के टेबल से कट रहे हैं, ये 1 बारी पे, ये 2 बारी पे, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, x आ गया आपका 2। तो बच्चों मैंने यहां पर अपनी दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया है, और कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। हमारा y आया है माइनस का 3 और x आया है 2। अब आप इसी इक्वेशंस को, इन्हीं दो इक्वेशंस को अगर आप अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे ना तो भी आंसर सेम आएगा, y आपका माइनस 3 आएगा और x आपका 2 ही आएगा। तो बच्चों जल्दी से उतार लीजिए इसे। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं उतारा, मैंने डायरेक्ट उसका फर्स्ट वाला पार्ट उतारा है। मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है पढ़ के। यहां पर लिखा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। हमें इन प्रॉब्लम को पढ़कर इक्वेशंस को फॉर्म करना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। देखो ध्यान से दो चीजें करनी, दो नहीं मैं तो कह रहा हूं तीन चीजें करनी, ध्यान सुनो कैसे। सबसे पहले पूरी वर्ड प्रॉब्लम को पढ़कर इक्वेशंस को बनाएंगे, पहला काम। दूसरा काम हमें चेक करना है इसका सॉल्यूशन है भी या नहीं है, मतलब ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। फिर तीसरा काम, अगर इसका सॉल्यूशन है तो हम निकालेंगे अपना एलिमिनेशन मेथड से। तो मैं दूसरा वाला छोड़ता हूं, देखो मैं कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा ध्यान सुनो, मैं पूरी वर्ड प्रॉब्लम को पढ़कर इक्वेशंस को फॉर्म कर दूंगा और एलिमिनेशन से उसे सॉल्व करूंगा। अगर सॉल्यूशन होगा तो निकल जाएगा और नहीं होगा तो भी पता चल जाएगा हम लोग, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। इफ वी एड 1 टू द न्यूमिरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डेनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। वो कह रहा है अगर हम अपनी फ्रैक्शन में न्यूमिरेटर मतलब ऊपर वाले में 1 जोड़ दें और नीचे वाले में डेनोमिनेटर मतलब नीचे वाले में 1 माइनस कर दें, मतलब ऊपर 1 जोड़ेंगे नीचे 1 माइनस करेंगे तो हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी 1। चलो ठीक है समझ लिया, कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। इट बिकम्स 1/2, हमारी फ्रैक्शन जो है वो 1/2 बन जाएगी। कब? अगर हमने 1 को नीचे से डेनोमिनेटर में नीचे में जोड़ा, मतलब ऊपर कुछ नहीं करना, अगर नीचे 1 जोड़ेंगे तो 1/2 बन जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द फ्रैक्शन? चलो एक काम करते हैं, लेट हमारे फ्रैक्शन में एक होता है ऊपर वाला एनआर और एक नीचे वाला होता है डीआर, है ना। लेट एनआर बी इज इक्वल, हमें नहीं पता एनआर पे क्या आएगा, तो बच्चों एनआर को मैंने मान लिया एक्स, ठीक है, और जो हमारा डीआर है और डीआर को मान लिया बच्चों वाई। देख सकते हो ऊपर वाले को मैंने मान लिया x और नीचे वाले को मान लिया y, इसका मतलब हमारी फ्रैक्शन क्या होगी x अपॉन y, ऊपर nr और नीचे dr, यही होगी x अपॉन y, ठीक है। चलिए अब जैसे जैसा बोला हुआ है वैसा वैसा करते हैं इक्वेशंस बनाओ। उसने बोला था आप अपनी फ्रैक्शन पे, ये रही मेरी फ्रैक्शन, ये है फ्रैक्शन, उसने बोला था अगर 1 को आप न्यूमिरेटर में ऐड कर दो, लो भाई 1 को न्यूमिरेटर में ऐड कर दिया, और 1 को सबट्रैक्ट कर दो डिनोमिनेटर से, डेनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट किया। ऐसा करने पर अगर मैं अपनी फ्रैक्शन में 1 को तो ऊपर जोड़ रहा हूं और 1 को नीचे माइनस कर रहा हूं, क्वेश्चन बोल रहा है मेरी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 1, मेरी फ्रैक्शन 1 बन जाएगी, ऐसा क्वेश्चन ने बोला था। अगर आप ऊपर न्यूमिरेटर में 1 जोड़ो डेनोमिनेटर में 1 माइनस करो तो आपकी पूरी फ्रैक्शन बन जाएगी 1, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लेते हैं। आपको पता है मैंने ऐसे क्वेश्चंस करवा रखे फ्रैक्शन वाले, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई साफ देख के आपको पता चल रहा होगा, बड़ा सिंपल होता है। 1 को अगर इस पूरे से, देखो एरो बता रहा है ना, 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना सेम आएगा x plus 1, ये आ गया इक्वल का साइन। y minus 1 अगर ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो भी सेम आएगा y minus 1, ठीक है। x ये रहा, ये जो इधर प्लस का y है, देखो इधर कोसाइन है प्लस का y है, प्लस का y इधर आके हो गया माइनस का y, ये माइनस 1 अपनी जगह पर, ये जो प्लस का 1 है वो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो हो गया x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2। तो बच्चों यहां पर बन गई हमारी पहली इक्वेशन आपके सामने, तो पहली इक्वेशन बना दी, ठीक है, ये तो पहली बनी है, हमें दो इक्वेशन फॉर्म करनी है ना। चलिए अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं।
दूसरी इक्वेशन में उसने क्या बोला था? उसने कहा था हमारी जो फ्रैक्शन है वो बन जाएगी क्या, 1/2, इट बिकम्स 1/2। बच्चों हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी 1/2। कब बनेगी 1/2? जब हम 1 को जोड़ेंगे, सिर्फ 1 को जोड़ेंगे, वो भी dr पे, डेनोमिनेटर पे, सिर्फ 1 को नीचे जोड़ना। अगर हम अपनी फ्रैक्शन में ऊपर कुछ नहीं करना, नीचे 1 को जोड़ोगे तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगी। चलिए इसे भी कर लेते हैं, आपको पता भी यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है कर लेते हैं। ये जो 2 है अगर वो x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x इक्वल एरा, y प्लस 1 अगर हमारा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आएगा, है ना। यहां पर जो प्लस का y है वो उधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का y हो गया, और यहां पर प्लस का 1 बचा ना, लेकिन प्लस का 1 लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो भी प्लस का 1 ही कहलाएगा। ये बन गई बच्चों हमारी दूसरी इक्वेशन, देखो कितना आराम से काम कर दिया। सबसे पहला काम तो मैंने कर दिया, अपनी पूरी वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ा और मैंने यहां पर दोनों इक्वेशंस को फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो जल्दी से पहले आप लोग इसे कर लो, बाद में हम करेंगे इसका सॉल्यूशन, वो भी एलिमिनेशन मेथड से, जल्दी कीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं मैंने दोनों इक्वेशंस उतार दिए। अब क्वेश्चन ने बोला था आपको इन्हें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, अगर ये सॉल्व होते हैं तो भैया सॉल्व करके देख लेते होते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। भाई एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है? एलिमिनेशन मेथड में हमारी पहली इक्वेशन ले ली, दूसरी इक्वेशन ले ली, या तो हम x वालों को सेम करते हैं या तो हम y वालों को सेम करते हैं। ध्यान से देखो यहां पर y वाले पहले से ही सेम है, ध्यान से देखना, या तो हम x वालों को सेम करते हैं या तो y वालों को सेम करते हैं, इनको नहीं देखते, या तो x या तो y, या तो x को करेंगे या तो y को, दोनों को नहीं करते। मैंने देखा यहां पर तो y वाला पहले से ही सेम है ना, देखो ध्यान से, ऊपर भी माइनस पाए नीचे भी माइनस पाए, मतलब y वाला तो पहले से ही सेम है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, लेकिन हमें तो अपनी इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी करना है ना, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे 1 से, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, ठीक है। 1 से क्यों मल्टीप्लाई करा, ये 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये भी माइनस 1 रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी माइनस 1 रहेगा, तो सिंपल हो जाएगा। 1 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन सेम आ जाएगी, क्योंकि 1 है बच्चों, ठीक है। 1 से नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी सेम आ जाएगी। और एक चीज याद रखना, सिर्फ x को ही नहीं, अगर y आपका पहले से ही सेम है ना, और ये चीज अपने दिमाग में बैठा लो, अगर ना आपका x वाली टर्म पूरी सेम है या फिर y वाली टर्म पूरी सेम है, तो इक्वेशन को हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करना ताकि वो बदले, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होता है, देखो ये प्लस का साइन है, ये प्लस, नीचे वालों के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, धीरे धीरे याद हो जाएगा आपको, ये प्लस का साइन हो जाएगा माइनस, ये माइनस का साइन हो गया प्लस, ये प्लस का साइन हो गया माइनस। देखो यहां पर x, देखो ध्यान से, ये ऐसे देखो y, ये माइनस का प्लस का सेम सेम है, कट गए, ठीक है, जिसको जो सेम होता है वही कटता है, याद रखना। इन्हें सॉल्व करोगे माइनस का एक्स आएगा, माइनस का 1x कह लो या माइनस का x, इसे सॉल्व करोगे आएगा आपका माइनस का 3। देखो यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, माइनस से माइनस हट जाता है, एक्स आपका 3 आ गया, ठीक है बच्चों, एक्स आपका बच्चों 3 आ गया। अब आपको इसको किसमें पुट करना है, पुट इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करें जो आसान लगे, मुझे तो पहली वाली इक्वेशन आसान लग रही है, तो मैं पहली वाली इक्वेशन में पुट, ठीक है बच्चों। तो मुझे इस वैल्यू को अपनी पहली इक्वेशन पे पुट करना है, तो पहले तो पहली इक्वेशन को उतार लो, x माइनस y इज इक्वल टू माइनस का 2, ये रही मेरी पहली इक्वेशन, उतार ली ना। देखो अब इसको इसमें बैठाने का मतलब क्या है, जहां पर भी x दिखेगा वहां पर क्या लिख देंगे, 3। देखो ये x है, आपको दिक्कत तो नहीं, यहां पर 3 प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, देखो माइनस का 3 हो गया ना, देखो प्लस का 3 था उधर का माइनस का वाई, इनको सॉल्व करोगे तो माइनस का 5 आएगा, यहां पर भी माइनस वहां पर भी माइनस, तो माइनस से माइनस हट जाता है, वाई 5 हो गया। अरे सॉल्यूशन तो निकल आया ना, उसने बोला था अगर सॉल्यूशन निकले, मैंने चेक कर लिया भाई निकल गया, अगर सॉल्यूशन निकला है तो मतलब सॉल्यूशन है इसका, तो हमारा एक्स आ गया 3, वाई आ गया 5। अब हम बताते रहे को फ्रैक्शन बोला था ना उसने, फाइंड द फ्रैक्शन, हैंस आपके एनआर को आपने माना था एक्स, आपने एनआर वाले को एक्स माना था ना, तो एनआर वाला क्या निकला, 3, और डीआर वाले को आपने माना था वाई, डीआर मतलब नीचे वाला डेनोमिनेटर, वाई क्या निकला आपका 5। इसका मतलब हमारी फ्रैक्शन जिसको हमने एक्स अपॉन वाई माना था, है ना, वो क्या हो गया, एक्स की जगह पर तो आ गया 3 और वाई की जगह पर 5, तो ये रही हमारी फ्रैक्शन 3/5। यही बोला था ना, व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को ढूंढो, तो दिखा दिया मैंने फ्रैक्शन है हमारी 3/5, तो जल्दी से इसे उतार लीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं दूसरी वाली वर्ड प्रॉब्लम है, पहले इस पूरी प्रॉब्लम को हम पढ़ेंगे और दोनों इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। 5 ईयर अगो
पांच साल पहले नूरी वॉज, बेटा थ्राइस का मतलब होता है थ्री टाइम्स, ठीक है, और ट्वाइस होगा यहां पे, ये रहा, ट्वाइस का मतलब होता है टू टाइम्स। पांच साल पहले नूरी वॉज थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू, इसका मतलब साफ इस लाइन से पता चल रहा है नूरी बड़ी है और सोनू छोटा है। अब तुम चाहे पांच साल पहले आओ तो भी नूरी बड़ी रहेगी, और तुम बीस साल बाद आओ तो भी नूरी बड़ी, ऐसा थोड़ी होता है। मैं बोलूंगा कि भैया एक लड़का है जो कुछ साल पहले अपने पापा से छोटा था और कुछ साल बाद अपने पापा से बड़ा हो गया, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, है ना। यहां पर इस लाइन को देखो ध्यान से पढ़ना, नूरी वॉज थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू, पांच साल पहले नूरी जो थी वो सोनू से बड़ी थी, और कितना बड़ी थी, तीन गुना बड़ी थी। चलो ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, भूल भी जाओगे कोई दिक्कत नहीं। 10 years later, 10 साल बाद, ठीक है, 10 साल बाद नूरी विल बी टू टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू, भाई 10 साल बाद नूरी जो है सोनू से बड़ी है, और कितना, टू टाइम्स बड़ी है। चलो ठीक है, हमें निकालना क्या है, नूरी और सोनू की एज निकालना, तो चलिए जो निकालना है उसी को एक्स वाई मानते हैं। लेट नूरी प्रेजेंट एज बी इज इक्वल, और आपका सोनू प्रेजेंट एज बी इज इक्वल। हमें नहीं पता अभी नूरी अभी कितने साल की है, पांच साल पहले और दस साल बाद का बाद में जानेंगे, पहले अभी चेक करते हैं। अभी है नूरी एक्स साल की और सोनू है वाई साल का, और याद रखना नूरी बड़ी है, हर केस में नूरी बड़ी है, ऐसा नहीं होता कि हम अगर भूतकाल में जाए तो नूरी बड़ी थी और भविष्य में जाए तो नूरी छोटी हो गई, ऐसा कभी नहीं होता। अगर कोई इंसान बड़ा है ना तो वो हमेशा फिर बड़ा ही रहेगा, ठीक है, याद रखना। नूरी अभी कितने साल की है, एक्स की, और सोनू कितने साल का है, वाई का। चलो आप केस करते हैं, 5 years ago, माने कि 5 साल पहले, यहां पर बात हो रही है अभी तो नूरी है एक्स साल की और सोनू है वाई का, हम जा रहे हैं 5 साल पहले, ठीक है। चलो 5 साल पहले देखते हैं क्या, भाई देखो ये रही नूरी और ये रहा सोनू, भाई नूरी तो बड़ी है ना, देखो इसीलिए मैंने नूरी को ऊपर रखा सोनू को नीचे, इनके बीच में कितने का गैप है 5 साल पहले, 3 गुने का। मतलब यहां पर एक तरफ है नूरी एज और यहां पर एक तरफ है आपका सोनू एज, ध्यान से सुनना, क्या ये बराबर है, बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे इन्हें बराबर करना है मैं इसमें 3 को मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 3 गुने का अंतर है ना इसमें, देखो साफ बोला हुआ है 5 साल पहले नूरी जो है सोनू से बड़ी है, वो भी कितना, 3 गुना बड़ी है। मतलब नूरी ये बड़ी है और सोनू ये छोटा है, इनके बीच में 3 गुने का गैप है, अगर मैं इसमें 3 को गुणा करूं तो ये ऊपर आ जाएगा, बराबर हो जाएंगे। मतलब अगर मैं सोनू की उम्र में अगर 3 गुणा कर दूं तो फिर इनकी उम्र बराबर हो जाएगी, देखो इसमें 3 मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया सोनू, आ गया, देखो हो गए बराबर, हो गए, यही तो मैंने लिखा है नूरी एज इज इक्वल टू 3 times of सोनू एज, क्लियर है पक्का, देखो मैंने उसी तरह इक्वेशन की तरह करवाया ना। चलो ठीक है, अब जरा इसे लिखते हैं, नूरी की एज क्या है, बेटा नूरी की एज कौन सी लिखनी है, क्या यहां पर प्रेजेंट एज लिखा है मैंने, नहीं, 5 साल पहले की। तो ध्यान से देखो, नूरी अगर अभी x की है तो 5 साल पहले कितने साल की होगी, x माइनस 5 पहले की बात, ठीक है, इक्वल टू क्या, इक्वल 3 की तरह आती है। ये सोनू की एज लिखनी है, अब यार सोनू की प्रेजेंट एज नहीं लिखनी, सोनू अभी कितने साल का है, प्रेजेंट एज कितनी y, सोनू अगर अभी y साल का है तो 5 साल पहले y माइनस 5 का होगा, सिंपल है काफी, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, x माइनस 5 ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 अगर y से मल्टीप्लाई हुआ तो 3y, फिर ये माइनस आ गया इधर, 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15, ठीक है। चलिए देखते हैं वेरिएबल वालों को एक तरफ और बिना वेरिएबल वालों को दूसरी तरफ, x ये प्लस का 3y है, इसे इधर ले आओ, माइनस का 3y हो गया, ये माइनस का 5 है, इधर आके प्लस का 5 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये आ गया माइनस का 10, ये बन गई बच्चों आपकी पहली इक्वेशन, ये रही हमारी पहली इक्वेशन जो कि बनके तैयार हो चुकी, हो गई। चलिए ठीक है, यानी पहली इक्वेशन बन गई, अब करते हैं दूसरी इक्वेशन की तैयारी। अब दूसरी इक्वेशन के लिए देखो कौन सा केस लेना है, 10 साल बाद, 10 years later, भाई तुम 5 साल पहले ले लो या 10 साल बाद ले लो, नूरी बड़ी है और सोनू छोटा ही है, देखो अभी भी मैं बोल रहा हूं नूरी है ये री और सोनू ये रहा, भाई 10 साल बाद भी नूरी बड़ी है, और देखो क्या कह रहा है, 10 साल बाद नूरी जो है वो सोनू से बड़ी है, और कितना, 2 times बड़ी, मतलब इनके बीच में गैप है 2 गुने का। अगर मुझे सोनू को ऊपर लेकर आना है तो मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, हो जाएगा भाई बराबर, मतलब कि एक तरफ है हमारी नूरी एज और एक तरफ है हमारी सोनू एज,
क्या ये बराबर है? बिल्कुल नहीं सर, अभी बराबर नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें टू मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ऊपर आ जाएगा, बराबर हो जाएंगे, बराबर होंगे। बड़ा सिंपल सिंपल सा यार। नूरी की एज कौन सी लिखनी है? अब दिक्कत ये भाई, केस देखो, नूरी की प्रेजेंट एज नहीं लिखनी। अभी अगर नूरी की बात करें वो x की है, हमें तो 10 साल बाद की लिखनी है, तो 10 साल बाद होगी x प्लस 10, है ना। अगर नूरी अभी x की है तो 10 साल बाद कितने की x प्लस 10, 3 साल बाद कितने की होगी x प्लस 3, 4 साल पहले कितने होगी x माइनस 4, ये चीज ध्यान, ठीक है। 2 की जगह 2। अब सोनू की कौन सी एज लिखनी है? 10 साल बाद वाली। सोनू अगर अभी y का है तो 10 साल बाद होगा y प्लस 10, ठीक है। चलिए देखते हैं इसे करते हैं। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2, जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के बाहर वाला ना, ब्रैकेट के अंदर वाले सब से मल्टीप्लाई होगा। 2 को y से करोगे आएगा 2y प्लस आ गया, 2 को 10 से करोगे 20 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। x ये प्लस का 2y इधर आके माइनस का 2y हो गया, ये प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10, वेरिएबल वालों को एक तरफ और बिना वेरिएबल वालों को दूसरी तरफ कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। x माइनस 2y इज इक्वल टू आ गया प्लस का 10, ये बन गई बच्चों आपकी दूसरी इक्वेशन। तो ये हमारी बन गई है दूसरी इक्वेशन। तो बच्चों वर्ड प्रॉब्लम देखो वैसी है ये, इससे पहले जो आए थे ना क्वेश्चंस एज वाले उन्हीं जैसा है। हमने पूरी वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ा और इक्वेशंस को बना लिया, सिंपल है। अब अगला स्टेप है इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है एलिमिनेशन से, अगर पॉसिबल होगा तो वो तो चेक कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से उतार लीजिए बच्चों से। तो बच्चों आप देख सकते हो हमने दोनों इक्वेशंस को उतार के लिख दिया है, और अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से दोनों को सॉल्व करेंगे। अब एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है, इसमें हम या तो एक्स वालों को सेम करते हैं या तो हम करते हैं वाई वालों को सेम। ध्यान से देखो, या तो एक्स वालों को सेम करेंगे या तो वाई वालों को, और अगर ध्यान से देखोगे तो एक्स वाले पहले से ही सेम है, और अगर पहले से ही सेम है तो आपको पता है हम इक्वेशन को वन से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों, ठीक है। वन से अगर हमारी पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी तो सेम आएगी, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। वन से अगर नीचे वाली इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी तो ये भी सेम आएगी, x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस का 10। उसके बाद अगला स्टेप होता है नीचे वालों के साइन कर दो चेंज, ये जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस, ये जो प्लस है माइनस, ये जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस, ठीक है। यार x x तो ये तो कट गया, सेम सेम है ना, x इधर प्लस का x इधर माइनस का कैंसिल हो जाते हैं। इन्हें सॉल्व करोगे माइनस का y आ गया, इसे सॉल्व करोगे माइनस का 20 आ गया, माइनस इधर भी है माइनस उधर भी है, तो माइनस से माइनस हट जाता है, y 20 आ गया, आ गया y 20। अब इस वैल्यू को आपका मन करे तो पहली पे बैठा लो, आपका मन करे तो दूसरी पे, मैं दूसरी पे बैठाऊंगा, ठीक है। मैं लिख रहा हूं पुट इन इक्वेशन सेकंड, मैं सेकंड इक्वेशन पे बैठाना चाहता हूं, मुझे सेकंड आसान लग रही है, मतलब इसको मैं बैठाऊंगा सेकंड पे, तो पहले सेकंड को उतार लेते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये रही हमारी दूसरी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन है बच्चों। तो अब हमें इसको ना इसमें बैठाऊंगा, बैठाने का मतलब क्या है, जहां पर भी y दिखेगा वहां पर क्या बैठा देंगे 20, x माइनस 2 देखो आगे y, तो 20 को बैठाएंगे वो भी ब्रैकेट लगाकर, 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होता है, यहां जो माइनस का 40 है उधर जाके हो जाएगा प्लस का 40, तो x आ गया आपका 50। तो बच्चों हमें बताना है उनकी नूरी और सोनू की एज बतानी है, तो हैंस नूरी की उम्र को हमने माना था बच्चों प्रेजेंट एज को, नूरी की जो प्रेजेंट एज थी हमने उसे माना था x, इसका मतलब वो कितना निकल गई 50 साल की है नूरी, और हमारा जो सोनू था सोनू की प्रेजेंट एज को हमने माना था y, तो इसका मतलब सोनू अभी कितने साल का है, y 20 आ गया ना, 20 साल का, नूरी भी आ गया और सोनू, ये तो मां बेटे लग रहे हैं मुझे, हैं ध्यान से देखो, नूरी भी आ गया और सोनू भी आ गया, नूरी अभी कितने साल की है 50 साल की, और सोनू अभी कितने साल का है 20 साल का, तो यहां पर क्वेश्चन हो गया खत्म, जल्दी से उतार लीजिए। तो बच्चों यहां पर तीसरी वाली वर्ड प्रॉब्लम है, जल्दी से पढ़ते हैं, थोड़ी इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, बड़ा ध्यान से सुनना। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों कि लिखा क्या है, ये अजीब सा बेटा वो कह रहा है, एक ना नंबर है दो डिजिट का, एक नंबर होता है ना दो डिजिट का, जैसे कि ये रहा, देखो दो डिजिट का नंबर है, ठीक है, दो डिजिट का मतलब यहां पर जो नंबर होगा वो होगी हमारी वंस प्लेस, और यहां पर जो नंबर होगा वो होगी हमारी टेंस प्लेस, यही तो होता है दो डिजिट का नंबर, है ना। लेकिन मुझे नहीं पता कि वंस प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है और टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है, मुझे नहीं पता,
दो डिजिट का नंबर है जैसे 32 है, 54, 63 है और 81 या 18, ये टू डिजिट का नंबर, देखो दो डिजिट का नंबर है ना, दो डिजिट का, ये वाला वंस प्लेस, ये वाला टेंस प्लेस, ठीक है। अब वो कह रहा है ये जो दो डिजिट का नंबर है ना, इसके दोनों डिजिट्स को अगर जोड़ दो, इस वाली डिजिट को भी इस वाली डिजिट को भी जोड़ दो तो 9 आएगा। जैसे देखो यारा केस ले लो, ये टू डिजिट का नंबर है, इसके दोनों डिजिट्स को जोड़ो तो 9 आएगा, ऐसा ही कुछ केस, ठीक है, चलिए ठीक है। लेकिन हमें तो यही नहीं पता कि यहां पर कौन कौन सा नंबर आएगा, तो एक काम करते हैं, लेट चलो अभी करते हैं। सबसे पहले हमें समझ में आ गया हमारे पास एक नंबर है टू डिजिट का, दिख गया होगा साफ, ये हमारा नंबर है, ये हमारा लिख दूंगा मैं हमारा नंबर, ठीक है। मैं इसे ओरिजिनल नंबर भी लिख रहा हूं, अभी ओरिजिनल नंबर क्यों लिखा है पता चल जाएगा थोड़ी देर में, ओरिजिनल नंबर क्यों लिखा है पता चल जाएगा थोड़ी देर में। हमारा ये जो नंबर है वो दो डिजिट का है, इसकी दोनों डिजिट्स को अगर जोड़ूंगा, इस वाले नंबर को जो यहां पर आएगा और इस वाले नंबर को जो यहां पर आएगा, इन्हें जोड़ूंगा तो 9 आएगा, इस बात को याद रखना आपको, ठीक है। चलिए और देखते हैं, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। पता क्या कह रहा है वो, कह रहा है अगर आपने अपने इस नंबर पे 9 को मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे नंबर है 32, ठीक है, वो कह रहा है आपका दो डिजिट का नंबर है, या फिर 32 नहीं लेते 54 ले लेते, है ना, ये हमारा दो डिजिट का नंबर है, दिख गया होगा दो डिजिट का नंबर है, और इसकी दो डिजिट को जोड़कर 9 भी आ रहा है। वो कह रहा है अगर आपने अपने नंबर पे 9 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया 9 को मल्टीप्लाई, तो आपका नंबर जो है ना वो रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, फिर 45 लिखता हूं, ये 45 है, ये बन जाएगा 54, देखो उल्टा हो गया, देखो क्वेश्चन समझना। वो कह रहा है अगर आप अपने नंबर पे 9 को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो जो नंबर आएगा वो इसका रिवर्स होगा, 45 है इसका रिवर्स 54, ऐसा कुछ होगा, वैसे हकीकत में नहीं होगा, बता रहा हूं एग्जांपल लेकर, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता नहीं होगा, दो बातें याद हो गई होगी आप लोगों को, ठीक है, पहला इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और दूसरा अगर इसमें हम 9 को मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, इसका रिवर्स होगा। कोई बात नहीं, भूल भी होगा तो मैं हूं याद दिलाने के लिए, हमें निकालना क्या है, फाइंड द नंबर, हमें इस पूरे नंबर को निकालना है। इस नंबर में हमारे दो डिजिट्स हैं, लेट वंस प्लेस नंबर बी इज इक्वल, और ये जो है टेंस प्लेस नंबर बी इज इक्वल। वंस प्लेस पे क्या नंबर आएगा मैं नहीं जानता, मैंने मान लिया एक्स, टेंस प्लेस पे क्या नंबर आएगा मुझे वो भी नहीं पता, मैंने मान लिया वाई, भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, वंस प्लेस पे जो नंबर है उसे एक्स मान लिया और जो टेंस प्लेस पे नंबर है उसे वाई मान लिया। सबसे पहले इक्वेशन बना, उसने क्या बोला था, आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ो, है ना, आपने बोला था, उसने बोला था इन दोनों संख्याओं को, इस एक्स को और इस वाई को, ये जो दोनों डिजिट्स है इसे जोड़कर क्या आएगा, 9 आएगा, बोला था ना उसने, ऐसा बन गया पहले इक्वेशन एक ही बार, उसने जैसा बोला था, उसने कहा था आपका जो टू डिजिट का नंबर है अगर आप इसकी दोनों डिजिट्स को जोड़ोगे, देखो मैंने एक्स और वाई को जोड़ा ना तो 9 आ गया, और ये मैंने क्वेश्चन में बोला था, बन गई पहली इक्वेशन, तो यहां पर लगा देता हूं पहले सिंपल सा, पहली इक्वेशन फॉर्म हो चुकी, ओके। अब अगला देखते हैं उसने क्या बोला था, अगली इक्वेशन उसने बोला था ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, अपने नंबर में 9 को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब अगर मैं 9 को मल्टीप्लाई कर दूं अपने ओरिजिनल नंबर से, ओरिजिनल नंबर बोला है ना, अगर मैं 9 को मल्टीप्लाई कर दूं अपने ओरिजिनल नंबर पे तो वो क्या बन जाएगा, रिवर्सिंग नंबर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रिवर्सिंग नंबर। अब आप बोलोगे सर रिवर्सिंग नंबर क्या है, रिवर्सिंग का मतलब है अगर मैं इसमें 9 को मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये नंबर कुछ ऐसा नहीं है, कुछ रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स मतलब कुछ ऐसा, देखो रिवर्सिंग नंबर, ये आपका वंस प्लेस, ये आपका टेंस प्लेस, ध्यान से देखो, रिवर्सिंग का मतलब ये वाई एक्स है ना, ऐसे तो ये बन जाएगा एक्स वाई, रिवर्स हो गया, रिवर्स का मतलब डिजिट्स रिवर्स हो गई, जो वंस प्लेस पे था वो टेंस पे चला गया, जो टेंस पे था वो वंस पे चला गया, रिवर्स हो गया, ठीक है। मतलब यही चीज बोली है ना कि अगर आप अपने ओरिजिनल नंबर पे 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, रिवर्सिंग नंबर आएगा, इसका रिवर्सिंग होता है 45, 23 का रिवर्सिंग होता है 32, 18 का रिवर्सिंग होता है 81, 93 का रिवर्सिंग होता है 39, समझ में आ रहा है, उसी तरह वाई एक्स का रिवर्सिंग क्या होगा, एक्स वाई, ठीक है। ये चीज क्लियर है ना पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो करते 9, अब अपने नंबर को लिखते कैसे, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर वाई एक्स लिखो, एक बात बताओ नंबर को आप कैसे भी लिखो, देखो पढ़ते आप कैसे हो, आप पढ़ते हमेशा कौन सी फॉर्म में हो, तोड़ के पढ़ते हो नंबर को। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, बेटा यहां पर मैं एक नंबर लिख रहा हूं, चलिए हम बच्चों से ही स्टार्ट करवाते हैं, मुस्कान आपसे बात करते हैं, ठीक है मुस्कान, इस नंबर को एक बार पढ़ो सबके सामने, क्या क्या पढ़ा आपने, अब जरा मैं आपका पढ़ा हुआ नंबर तोड़ के पढ़ूंगा, आपने इसे पढ़ा 90
और इसे पढ़ा 8, आपने इसे 9-8 नहीं बोला, पूरा पढ़ा ना ढंग से। हम नंबर को हमेशा तोड़ के एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ते हैं। चलिए एक और ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं जिया से। जिया ये नंबर पढ़िए 54। तो बच्चों ध्यान से देखिए, 5 को पढ़ा गया 50 और 4 को बोला गया 4। तो ऐसा सर क्यों हो रहा है? क्योंकि ये है आपका टेंस प्लेस पे, इसीलिए आपने इसे 10 से मल्टीप्लाई करके पढ़ा। और आपने इसे सिंपल क्यों पढ़ा? क्योंकि ये वंस प्लेस पर इसे डायरेक्ट पढ़ लिया है ना। जैसे एक नंबर लेते हैं, जैसे कि मैं लेता हूं 65। अच्छा मैंने पढ़ ही दिया इसे 65। चलो कोई और नंबर ले लेता हूं हमारे जॉयदीप के लिए 29। जॉयदीप इसे पढ़िए, वैसे तो मैंने पढ़ी दिया, फिर भी पढ़ दीजिए 29। 2 को हमने पढ़ा 20 और 9 को 9। क्यों? क्योंकि 2 हमारा टेंस प्लेस पे, उसे 10 से मल्टीप्लाई करके पढ़ा, और 9 हमारा वंस प्लेस पे, उसे 1 से मल्टीप्लाई करके। तो जिस तरह हम नंबर को पढ़ते हैं, लिखते भी हमें वैसा ही, ठीक है? ध्यान से सुनना, हमें लिखना भी वैसा ही है, ठीक है? तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे। देखो नंबर को मैं लिखने जा रहा हूं, वाई को मल्टीप्लाई करा 10 से, प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करा 1 से। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? मैंने अपने ओरिजिनल नंबर को ऐसे क्यों लिखा? अगर किसी को डाउट है, हम ऐसे ही लिखते अक्सर नंबर को। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं ना इसको तोड़ के लिखना है, तो आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, आप ऐसे लिखते नंबर, ठीक है? याद रखना नंबर को ऐसे ही तोड़ के। मैंने यहां पर भी नंबर को ऐसे ही तोड़ के लिखा। देखो हमारा ओरिजिनल नंबर ये है ना, वाई हमारा टेंस प्लेस पे, तो उसे हमने 10 से मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर बीच में प्लस लगाते हैं। एक्स हमारा वंस प्लेस पे, इसलिए उसे हमने 1 से मल्टीप्लाई करके। अब रिवर्सिंग नंबर तो आप लोगों को पता लग गया, इक्वल रिवर्सिंग नंबर ये रहा भाई, एक्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, देख लो कोई दिक्कत तो नहीं, फिर प्लस करूंगा, और वाई को मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों 1 से, कोई दिक्कत तो नहीं, वाई को 1 से कर, सिंपल है। तो चलिए अब करते हैं। ये आप क्वेश्चन ने हमें बोला था कि अगर आप अपने ओरिजिनल नंबर पे 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो रिवर्स हो जाएगा, है ना? आप पढ़ सकते हो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर बाय ऑक्टेव। अच्छा 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 बच्चों, अच्छा हुआ हमने पढ़ लिया, थोड़ा सा एक डाउट है, मैंने हल्का सा पढ़ा था, मैंने ये ट्वाइस तो पढ़ा ही नहीं। उसने बोला है कि अगर आप अपने ओरिजिनल नंबर पे, देखो क्या बहुत दिक्कत कोई बड़ी चीज नहीं है, वो कह रहा है अगर आप अपने ओरिजिनल नंबर पे 9 मल्टीप्लाई करोगे ना, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 2 टाइम्स होगा आपके रिवर्सिंग नंबर का, 2 टाइम्स होगा रिवर्सिंग नंबर का। मतलब कि अगर आप अपने ओरिजिनल नंबर पे 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो रिवर्सिंग नंबर का दुगना होगा, 2 गुना होगा, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा। तो मैं एक काम करता हूं, ये 2 लगाता हूं इसे ब्रैकेट में ऐसा। अब जरा इसे सॉल्व करते हैं, 9 10 को y से करेंगे 10y, प्लस 1 को x से करेंगे x ही आएगा, सिंपल है। अब यहां देखते हैं 2, 10 को x से करेंगे 10x, 1 को y से करेंगे y, ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाला से मल्टीप्लाई होगा, 9 अगर इससे होगा तो 90y, 9 अगर इससे होगा तो आएगा 9x, 2 अगर इससे होगा तो 20x, इससे होगा तो 2y। यार ये तो ये भी वेरिएबल वाला, ये भी वेरिएबल वाला, सबको इधर ही कर दो, आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? टेंशन नहीं है। देखो 90y भी इधर, 9x भी इधर, ये जो 20x इधर प्लस का है इधर आके माइनस का हो गया, ये जो प्लस का 2 आया इधर आके माइनस का हो गया, इक्वल के पार कुछ नहीं है तो 0, ठीक है? देखो मैंने सबको इधर कर लिया वेरिएबल वाला। ये देखो ध्यान से, दोनों x वाले दिख गए, इन्हें सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखते हैं, हाँ तो बच्चों ये सॉरी ये 20x था, मैंने 2x लिख दिया था, इसे सही कर दिया मैंने आपके लिए। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका माइनस का 11x, इन्हें सॉल्व करके, ठीक है? अब ध्यान से देखो बच्चों, इसको ये एक तरफ 90y और एक तरफ माइनस का 2y है, अगर आप इन्हें सॉल्व करोगे तो आएगा आपका प्लस का 88y = 0। ये बन के बच्चों दूसरी इक्वेशन बनके तैयार। मैं इसे थोड़ा कॉमन लेके कम कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं नहीं कर रहा ऐसा। पहली इक्वेशन गे रही, दूसरी इक्वेशन गे रही, दूसरी इक्वेशन में फिर से बोलूंगा, उसने बोला था अगर आप अपने ओरिजिनल नंबर पे 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, रिवर्सिंग नंबर का दुगना, ठीक है? ये तो आप जल्दी से बच्चों इस पूरे को उतार लीजिए, फिर करेंगे इसे सॉल्व एलिमिनेशन मेथड से, जल्दी कर लीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? तो ये है हमारा पहली इक्वेशन और ये है हमारी दूसरी इक्वेशन। तो बच्चों इसे एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में या तो हम एक्स वालों को सेम करेंगे या तो हम वाई वालों को सेम करेंगे, आप किसी को भी सेम कर सकते हो, एक्स को सेम कर लो, वाई को सेम कर लो, जो मर्जी हो, लेकिन दोनों को सेम नहीं कर सकते, या तो सिर्फ एक्स होगा सेम या तो सिर्फ वाई होगा। मैं एक काम कर रहा हूं, मैं एक्स को करूं सेम, मैं एक्स वालों को सेम करना चाहता हूं,
मैंने देखा यहाँ पर कोई नंबर नहीं तो वन मान लेते हैं, वन नहीं भी मानोगे तो छोड़ो। मैंने देखा यहाँ पर माइनस का 11x है ना, मैं ऊपर भी माइनस का 11x बना सकता हूं अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं माइनस के 11 से, बताओ होगा ना। अगर माइनस का 11x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 11x आएगा, होगा। और इसे मुझे माइनस का 11x ही रखना है, इसे बदलना नहीं है, तो इसे मल्टीप्लाई करूंगा वन से। समझना ध्यान से, मैं इनको सेम करना चाहता था, है ना। मैंने देखा यहां पर माइनस का 11x था, तो मैं यहां पर भी माइनस का 11x बना सकता हूं, कैसे, अगर मैं इसे माइनस के 11 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है। और इसे मुझे माइनस का 11x ही रखना है ताकि सेम सेम हो जाए, है ना, तो इसलिए मैंने इसे 1 से मल्टीप्लाई किया। तो चलिए करते हैं, माइनस का 11 अगर x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 11x, फिर ये आ गया, देखो ध्यान से, माइनस का 11 प्लस के y से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 11y इक्वल, माइनस का 11 अगर 9 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 99। पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा ना वो, तो अब 1 भी इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, 1 से तो सेम ही आ जाएगा, सेम ही आ जाता है 1 से तो। अब अगला स्टेप आपको पता है, नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, ये नीचे वालों के साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस है हो जाएगा प्लस, ये प्लस है हो जाएगा माइनस, ये प्लस है माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, 11x प्लस का 11x माइनस का, सेम सेम वैल्यू है, प्लस माइनस की कैंसिल। इसको सॉल्व करोगे माइनस का 99y और यहां पर आ जाएगा माइनस का 99, माइनस का 99 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाकर होगा डिवाइड, मतलब कि आ जाएगा नीचे, माइनस से माइनस कट गया और आपको पता है ये कट के आ जाएगा 1, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं तो y आपका आ गया 1। अब ये जो y निकला है इसे किस में पुट करोगे, पुट इन इक्वेशन, भाई पहली पे पुट करोगे, हर कोई पहली पे पुट करना चाहेगा, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो भाई इसको आपका पहली इक्वेशन पे बैठाने के लिए पहली इक्वेशन को उतारते हैं, x plus y is equal to 9, पहली इक्वेशन। इसको इसमें बैठाने का मतलब है जहां पर भी y दिखेगा वहां पर 1 बैठा देंगे, ठीक है। तो चलिए बैठाते हैं, x plus, देखो y है, 1 बैठा दिया, ये प्लस का 1 है उधर आके माइनस का 1 हो गया, तो x आ गया आपका 8, हमारा x आ गया y आ गया। हमें निकालना क्या था, हमारा नंबर निकालना है। अब हमारा नंबर कौन सा हुआ, ओरिजिनल नंबर हमारा है या रिवर्सिंग नंबर हमारा है, ओरिजिनल नंबर हमारा, ठीक है, ये था ना हमारा नंबर, तो ये तो मल्टीप्लाई करके आया होगा। चलो हेंस हमारा ओरिजिनल नंबर कुछ कैसे फॉर्म में था, ऐसे यहां पर था वंस और यहां पर था टेंस, और आपको पता है हमने यहां पर x रखा था और यहां पर रखा था y, तो अब नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ये वंस और ये टेंस, x हमारा 8 आया तो यहां पर हम रखेंगे 8, ठीक है। देखो x है ना यहां पर, हमने 8 रख दिया उसके बाद, y हमारा 1 आया तो y की जगह पर क्या रख देंगे 1। तो ध्यान से देख लो बच्चों, जैसा क्वेश्चन ने बोला था 18 हमारा नंबर है, ठीक है, 18 की दोनों डिजिट्स को जोड़ोगे क्या बोला था उसने, 9 आएगा, आ रहा है 9, और उसने एक और चीज बोली थी, आप इसमें 9 को मल्टीप्लाई कर लो, आप इसमें 9 को मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 9 8 72, और हाँ सही तो कर रहा हूं मैं, 9 7 16 162 बोला था उसने, उसने कहा था अगर आप इसमें 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो 162 आ रहा है, वो किसके बराबर होगा, इसके रिवर्सिंग के 2 मल्टीप्लाई के, 18 का रिवर्स क्या होता है 81, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 162 आ गया, जैसा बोला था। तो मैं खाली चेक करवा रहा हूं, बाकी जरूरत नहीं है चेक करने की, याद रखना जैसा उसने बोला था ये सच बात है, उसने बोला था आप अपने नंबर का, हमारा नंबर 18 है ना, आप उसमें 9 मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया, मैंने यहां रख दिया, और उसने बोला अब आप इसका रिवर्स करो, 18 का रिवर्स करो, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 162 है ना, सेम। देखो हमारा, अच्छा वो इक्वेशन में मैंने लिखा था ना, हमने ओरिजिनल नंबर पे 9 मल्टीप्लाई करा, वो किसके बराबर था, रिवर्सिंग के 2 के बराबर। तो बच्चों जैसा उसने बोला था वो सही है, उसने कहा था आप अपने ओरिजिनल नंबर पे 9 मल्टीप्लाई कर लो और इसके रिवर्स पे 2 मल्टीप्लाई कर लो, वो सेम है, बिल्कुल सेम है, देख लो, ओरिजिनल नंबर पे 9 मल्टीप्लाई करके आता है 162 और इसके रिवर्स पे 2 मल्टीप्लाई करके 162 आता है। ये करने की जरूरत नहीं हो तो बस मैंने खाली आपको बताया, हालांकि आपका क्वेश्चन यहीं तक खत्म है, आपको सिर्फ नंबर बताना है कौन सा है, 18। तो बच्चों इसे जल्दी से उतार लीजिए आप। तो बच्चों आई होप आप लोगों ने इसे उतार लिया होगा। अब मैं करता हूं वीडियो का दी एंड, तब तक के लिए बच्चों अगर आपको डीमैथ्स की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।